आज इस टॉपिक हम लोग करने वाले पोस्टमार्टम। पिछली वीडियो में हमने इसको देखा था हाउ इट वर्क्स, क्या क्या इसमें घटिया तरीन चीज वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज सिंपल इज दैट इज प्रोडक्ट का हम पोस्टमार्टम करने वाले। सबसे पहले तो हम इसकी शीट उतार लेते हैं जो कि इन्होंने फिनिशिंग की हुई है अपनी शीट की। तोड़ते हैं हम इसको तो इसका स्टिकर वगैरह जो है वो आ जाता है। अब ज़रा आप ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है यार, एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये जो जगह है पहले से उखड़ी हुई है तो हम इसको और उखाड़ लेते हैं। तो यार देखिए, आप ये जो AZI इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं इन्होंने क्या जुगाड़ किया है कि इसको फिनिशिंग भी ठीक नहीं की, जस्ट ऊपर ये चढ़ा दिया जल्दी जल्दी में। तो इन्होंने वो जो ग्लू सी होती है वो भी सही नहीं की, क्योंकि यहाँ से जस्ट इसको मैंने निकाला और ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर ज़रा देखिए कि यहाँ पे हमें दो सेल, नॉट अ बैटरी, इट्स अ सेल, ठीक है। वो जो घटिया वाले सेल नहीं होते वो इन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं, और जो ग्लू है इतनी अजीब तरह से लगाई है कि पूरी जगह पर ग्लू ही ग्लू है। एंड यहाँ पे अगर देखें साथ में ही तो इन्होंने इतना जुगाड़ किया हुआ है यार, इतना जुगाड़ किया हुआ है कि ना पूछो इन्होंने कितना जुगाड़ किया हुआ है। तो ये जो लाइट है यहाँ से लाइट बाहर आ रही है, तो सेल जो है इन्होंने आपस में जोड़े हुए हैं, और ये जो जगह है इतनी एक नाजुक, इतनी नाजुक इन्होंने यहाँ से बनाई हुई है। थोड़ी सी सी मतलब गिर भी जाएगा इसे ना, इसका काम तो तबाह खुन हो जाना है। और ये जगह पता नहीं इन्होंने क्यों छोड़ी है, एंड ये जगह भी पता नहीं इन्होंने क्यों छोड़ी है, ये अल्लाह जाने क्यों छोड़ी है इन्होंने ये जगह। और उसके अलावा यहाँ पे जो इनकी अंदर वाली जगह है ना, अगर आप फोकस करें तो दो सेल चार्जिंग वाले जो कि किसी क्वालिटी किसी कंपनी के भी नहीं, लोकल है, तो वो हमें यहाँ पर इंटरनल दिए जा रहे हैं। तो इसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो जगह इन्होंने खुद कार्ड कैसे बनाई है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ खींचूँ तो ये उखड़ ही जाएगी। तो ये ऑफ ऑन वाला जो बटन है ना, ये तो काम ही नहीं करता, क्योंकि राउटर जो इन्होंने UPS जो बनाया इन्होंने ना, क्या कमाल बनाया है, ज़बरदस्त बनाया इन्होंने यार, नज़र ना लगे इसको। ओवरऑल भाई इसके अंदर जो है ना बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप पूछो यार क्या इन्होंने क्वालिटी वाइज क्या ज़बरदस्त क्वालिटी इसकी बनाई है। आप एक बार ले लो ना इसको तो दोबारा आए आपको पूरी ज़िंदगी ना आपको UPS के लिए राउटर के लिए UPS लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ज़बरदस्त घटिया क्वालिटी का इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है AZI इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। तो होप्स आप भी इसको ले के ज़रूर पसंद आपको आया होगा। जिन्होंने ले लिया तो उससे दुआएँ दे रहे होंगे, तो जिन्होंने नहीं लिया तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट वो ज़रूर ले लें, और लेते हुए साथ में इन्हें बहुत सारी दुआएं भी अतिया में दे दें। तो हम तो खैर दे रहे हैं जिन्होंने ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया तो भाई लें आप भी, और ये इसके अंदर एक बार खोल के ज़रूर चेक कीजिएगा क्या ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है। तो एक बार से अगर चलो किसी का प्रोडक्ट ये वाला बहुत अच्छा भी चल जाता है तो एक हफ्ते से ज़्यादा ना इस की लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपको अंदर आपकी इस बैटरी के अंदर जो UPS के अंदर है ना जो सेल है ना, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ही टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो चार्जर हमारा है 9 वोल्ट का, वो ज़रा हैवी सा है, उसमें लगता है तो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, उसको सुझा देगा, और बैटरी का जो है इसका UPS का बेड़ा ही गर्क हो जाना है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा जो AZI इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया, तो ये जो तारे हैं भाई इसकी तारें की जो है इसकी फिनिशिंग ही थोड़ी अच्छी कर लेते हैं यार, कितना ज़बरदस्त जुगाड़ आपने किया। एक स्ट्रिप पस ली है, उस स्ट्रिप को आपने घसोड़ा ही बीच में ज़बरदस्ती, और ये तारे में से लगा के और बस खैर मकदम किया और इसको चढ़ाने वाला किया आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त। अब ज़रा आपको बता देता हूँ कि मैं आपको राउटर अगर मंगवाना ही है, UPS मंगवाना ही है, तो इसके भी अलग अलग से आपको फैक्टर्स मिलते हैं, मतलब कि अलग अलग से आपको चीज़ें मिलती हैं।